नमस्कार विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हम महाकवि वीररस के कवि भूषण के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में हमारा अगला पद है, तेरे त्रास बैरी बधु पीवत ने पानी को पीवत अघाए धाए उठई अकुलाई है। कौ रही बाल कौ कामिनी रसाल ते तौ भई बेहवाल फिरे भागी बन राई है। साही के सपूत तुम आलम सुभानु सुनो भूषण भनत तव कीर्ति बनाई है। दिल्ली को तखत तजी नींद खान पान भोग सिवा सिवा बकत सी सारी पात साई है। भूषण ने महाराज शिवाजी और छत्रसाल दोनों की वीरता शौर्य और प्रताप का वर्णन करते हुए शिवाबावनी और छत्रसाल दशक ग्रंथ लिखे। इन दोनों ही रचनाओं से हमारे पाठ्यक्रम में पद लगाए गए हैं, जिनमें शिवाबावनी से जो पद हमारे पाठ्यक्रम में है उन सभी का हमने अर्थ किया, व्याख्या की, उनका अध्ययन किया और ये हमारा आखिरी पद है। इसके बाद हम छत्रसाल दशक से जो पद आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इस पद में शिवाजी के शौर्य, प्रताप, पराक्रम, उनकी वीरता का चित्रण किया गया है और ये बताया है कि शत्रु पक्ष में लगातार शिवाजी को लेकर के भय बना हुआ था। तेरे त्रास बैरी बधु, बैरी बधु यानि जो शत्रु पक्ष है उसकी स्त्रियां, पीपत ने पानी को, भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपका इतना भय और डर बना हुआ था कि शत्रु पक्ष की जो नारियां थी वो पेट भर के पानी भी नहीं पीती थी, आपके डर के कारण पानी तक नहीं पीती थी। और पीपत अघाए धाए उठे अकुलाई है, और अगर वो पेट भर करके पानी पी भी लेती थी तो तुम्हारे डर के कारण व्याकुल होकर इधर उधर दौड़ती रहती थी, दौड़ने लग जाती थी। अघाए का मतलब होता है पेट भरकर और धाए का मतलब होता है दौड़ना, अकुलाई व्याकुल होना, परेशान होना। बैरी वधु दुश्मन की स्त्रियां, को रही बाल, और वो जो मुगल नारियां हैं शत्रु पक्ष की नारियां उनमें कोई तो बालक है, बाल है यानी अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। को कामनी रसालते, और कोई जो है वो मधुर है, रसीली है, कामिनी है, तो भई बेहवाल फिरे भागी बन रही है, वे भी सब बेहवाल होकर परेशान होकर बन रही है ने जंगलों में इधर उधर भागी फिरती हैं। साही के सपूत, हे शाहजी के पुत्र, तुम आलम सुभानो, तुम तो सूर्य के समान हो, सुनो भूषण भनत तव कीर्ति बनाई है। आपकी कीर्ति यश तो सर्वत्र ही फैला हुआ है, अर्थात कहने का तात्पर्य जिस प्रकार सूर्य एक है और उसी का प्रकाश पूरे संसार में फैला हुआ है, कहीं से भी देख लो सूर्य चमकता हुआ दिखता है, उसी प्रकार से शिवाजी एक हैं लेकिन उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है। दिल्ली को तखत तजी नींद खान पान भोग सिवा सिवा वकत सी सारी पात साई है। आगे भूषण कहते हैं कि पूरी जो बादशाहत है अर्थात मुगल बादशाह औरंगजेब और उसके जितने भी सरदार मंत्री सब हैं वो सब
अपनी नींद, खान पान, भोग सबको छोड़ करके और शिवाजी शिवाजी ही रटते रहते हैं। इस प्रकार इस पद में यह बताया गया है कि पूरी बादशाहत वक्त सी सारी बादशाही सभी भयभीत हैं और शिवाजी का नाम वो लेते रहते हैं। अर्थात शिवाजी नाम लेने का तात्पर्य क्या हुआ, शिवाजी के ही चर्चे चलते हैं कि शिवाजी ने वो गढ़ जीत लिया, उस दुर्ग पर कब्जा कर लिया, शिवाजी की सेना उधर आ रही है। इस तरीके से हर बात में शिवाजी का ही नाम आता है। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है। दिल्ली की तकत तजी नींद खान पान भोग सिवा सिवा बकत सी सारी पातशाही है, जैसी सुंदर पंक्ति का प्रयोग किया गया। बहुत सुंदर पंक्ति है, भूषण ने लिखी है। शिवाजी का भय दिखाने के लिए कि कैसा भय पूरी दुश्मन सेना में, पूरी दुश्मन की बादशाहत में व्याप्त था। अब हम अगले पद पर आते हैं। यहाँ पर इस पद के साथ हमने शिवाजी की वीरता, शौर्य, प्रताप, उनकी प्रशंसा को लेकर के जो पद लिखे गए थे उनका हमने अध्ययन कर लिया। अब हम राजा छत्रसाल के बारे में पढ़ेंगे, उनको लेकर के जो पद भूषण ने लिखे हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। भुज भुज गेस की बई संगनी भुजंगनी सी खेद खेद खाती दिह दारुन दलन की, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन पैरी पार जात पर बाह ज्यो जलन की, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। बहुत ही सुंदर पद है ये। महाराज छत्रसाल की वीरता पराक्रम का इसमें चित्रण किया गया है। उनकी जो बरछी है उसके बारे में बताया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है। कवि भूषण कहते हैं कि रैया राव चंपति राय के पुत्र हैं महाराज छत्रसाल। उन महाराज छत्रसाल की जो बरछी है, भुज भुज गेस की बई संगनी भुजंगनी सी, उनकी बरछी तो भुजा रूपी भुजगेस यानी सर्पराज, उस सर्पराज की बई संगनी यानी संगनी, भुजंगनी यानी सर्पणी, सर्पराज की संगनी कौन होगी सर्पणी, ऐसे ही भुजाओं की संगनी कौन हुई बरछी। तो कह रहे हैं कि भुजा रूपी सर्पराज की संगनी, उनकी जो बरछी रूपी भयानक सर्पणी है वो खेद खेदी खोद खोद करके खाती दीह दारुण दलन की, दारुण दलन यानी भयंकर शत्रु सेना को खोद खोद करके वो खाती रहती है, अर्थात जो सेना है उसका नाश करती है। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती, और वो शत्रु सेना के बख्तर यानी कवच, जो कवच हैं और पाखरन लोहे की जो पाखरियां हैं उनके बीच में इस प्रकार धस जाती है। मीन पैरी पार जात परवाह जो जलन के, जैसे कोई मछली जल के प्रवाह में अंदर तक चली जाती है, जल का प्रवाह इसको चीर करके भी मछली अंदर चली जाएगी, वैसे ही वो भी शत्रु के कवच और कवच को चीर कर अंदर चली जाती है। साही रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, रैया राव चंपति राय के सुपुत्र छत्रसाल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन के, वह ये कहना चाहते हैं, भूषण ये कहना चाहते हैं
कि जो महाराज छत्रसाल है उनके बल, उनकी ताकत, उनकी वीरता, शौर्य, प्रताप, उसका बखान कोई कर ही नहीं सकता। जैसे उनकी बर्छी है वो सर्पणी के समान भयंकर है, और जो बर्छी चलाने की उनका तेज जो प्रवाह है वो मछली के समान है, कि किस प्रकार मछली जल के प्रवाह को भेद कर अंदर चली जाती है, ऐसी उनकी बर्छी भी बड़ी खतरनाक है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने, वीर तेरी पर्छी ने बर्छी ने हैं खलन के। भूषण कवि कहते हैं कि छत्रसाल महाराज की ताकत का अंदाजा तो लगाना ही मुश्किल है। उनकी जो बर्छी है उसने जो भयंकर शत्रु सेना है उसकी ताकत को खत्म कर दिया, और उनकी सेना के जो वीर हैं वो इस प्रकार धरती पर पड़े हुए हैं जैसे उनके पंख किसी ने छीन ले हों। जैसे आकाश में उड़ते हुए पंछी के जब पंख काट देते हैं तो धरती पर गिर पड़ता है, ऐसे ही युद्ध में जो सेना उनकी लड़ रही थी, जो वीर लड़ रहे थे, उनके भी ऐसे हाथ कट गए हैं जैसे मान लो कि किसी पक्षी के पंख कट के वो धरती पर गिर पड़ता है, ऐसे ही उनके शत्रु पक्ष के जो वीर हैं वो भी धरती पर पड़े हुए हैं। तेरी बर्छी ने है खलन के, जो तेरी बर्छी है हे महाराज छत्रसाल उसने दुष्ट खलन यानि दुष्ट जो शत्रु हैं उनके वर यानि जो श्रेष्ठ वीर थे उनको छीन लिया, अर्थात उनको खत्म कर दिया। इसमें महाराज छत्रसाल की वीरता का चित्रण क्या क्या है, उनकी बर्छी को सर्पणी कहकर उसकी भयंकरता को बताया है। अनुप्रास और यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, प्रस्तुत जो पद है इसके माध्यम से, इस एक पद के माध्यम से ही छत्रसाल की वीरता का अंदाजा पाठक लगा सकते हैं कि वो कितने वीर थे। अतिशोक्ति में चित्रण है लेकिन फिर भी हास्यास्पद नहीं है, ये भूषण की अपनी एक विशेषता है कि उनका जो वर्णन है, चित्रण है, वो हास्यास्पद नहीं लगता, बल्कि उसको पढ़कर के यही लगता है कि शिवाजी और छत्रसाल कितने महान वीर प्रतापी राजा हुए हैं। अब हम अगले पद पर आते हैं। अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलकें, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल हिय झलके। उन दोन की मनसा मनसी नित होत नई ललना ललके, भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान कींधो। छवि की छलके, ये भूषण के श्रृंगार के पद हैं और इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। इस पद की व्याख्या हम अपने अगली कक्षा में करेंगे। छत्रसाल और शिवाजी को लेकर के हमने पद पढ़ लिए, अब उनके फुटकल पद इसमें आएंगे जिनकी व्याख्या हम करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।